सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज के इस एपिसोड को लेकर के मैं बड़ी एक्साइटेड हूं, क्योंकि काफी मेहनत करके मैंने ये कुछ गाने जो हैं वो आपके लिए ढूंढे हैं। क्यों मेहनत लगी? क्योंकि इतने सारे बेहतरीन गाने हैं कि कुछ गाने ढूंढ पाना सच में काफी मेहनत वाला काम था। आखिर ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके इतने सारे अच्छे गाने हैं? भाई मैं बताती हूँ, आज जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो म्यूजिक की दुनिया के दो जिस्म एक जान है। जब ये दोनों मिल जाए तो गाने तो हिट होने ही हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडियन सिनेमा के एवरग्रीन म्यूजिकल डुओ आर डी बर्मन और किशोर दा की। इस जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक क्लासिक हिट्स दिए। एक साथ इन दोनों ने 165 मूवीज की हैं। लेकिन इस सबकी शुरुआत कैसे हुई थी? बर्मन दा और किशोर दा की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। आने वाला जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम।
कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है? डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हाय रे हाय तेरा घूंघटा, हाय रे हाय तेरा घूंघटा, नींद चुराए तेरा घूंघटा, नींद चुराए तेरा घूंघटा, चांद खटा से निकल, चांद खटा से निकल, कोई उठाए तेरा घूंघटा, हाय रे हाय तेरा घूंघटा, हटाए मेरा घूंघटा, कहे हटाए मेरा घूंघटा।
कोई बात हो, बीच में आए तेरा घूंघटा, बीच में आए तेरा घूंघटा, हे चांद घटा से निकले कोई उठाए तेरा घूंघटा, आए रे आए तेरा घूंघटा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ऐसे थे हमारे आरडी बर्मन और किशोरदा की दोस्ती, जैसे मानो इन दोनों को किसी लड़की की जरूरत नहीं थी, एक दूसरे से ही प्यार किया करते थे, एक दूसरे के ही साथ में दिन और रात बिता लिया करते थे। आपको पता है इनकी दोस्ती कैसे हुई थी? हुआ कुछ यूं कि एक दिन बर्मन साहब कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, एक फिल्म के किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए एक स्टूडियो में गए थे। उसी स्टूडियो की दीवार के ऊपर बैठ करके, यानी कि एंट्रेंस पे जो गेट के पास की दीवार होती है, उसके ऊपर बैठ करके एक आदमी हर एक इंसान को इमिटेट कर रहा था। जो भी वहां से गुजर रहा था उनकी नकल उतारे जा रहा था। बर्मन साहब अंदर ही जा रहे थे और वो आदमी दीवार से कूद कर स्टूडियो में जा पहुंचे। जो जो गाना गा रहे थे बर्मन दा, उसका सत्यानाश करके वो खुद उस गाने को गाने लगे। जब बर्मन साहब ने पूछा कि कौन है ये आदमी, तब कहा किशोर दा ने कि मैं अनाथ हूँ, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, प्लीज एक चांस दे दो, मुझसे भी एक गाना गवा लो। आरडी बर्मन साहब ये सुनने के बाद दिल खोल के हंसे कि वो दीवार वाला जो आदमी है वो और कोई नहीं बल्कि अशोक कुमार जी का छोटा बेटा किशोर कुमार है। और बस वहीं से हमारे बर्मन साहब और किशोर दा की ये जो दोस्ती की शुरुआत हुई, वो पूरी जिंदगी चलती चली गई। बर्मन साहब ने ये हमेशा माना कि किशोर दा वॉज द बेस्ट सिंगर बॉलीवुड एवर हैड। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ बर्मन दा और किशोर दा की ही नहीं थी, इसमें एक तीसरा इंसान भी था। कौन था इनके ग्रुप का वो तीसरा इंसान, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, ए बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। दीवाना प्यार वालों की जुबा पे है मेरा ही तराना, सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। सास करते हैं गुलामी, वो कोई परजा हो या बादशाह, आज तो सभी हैं मुझ पे फिदा, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। च
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका। रे मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे, मेरी कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले। खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल, झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। इस वीकेंड क्लासिक पर प्ले हो रहे सारे गाने और ऐसे कई और नए और पुराने गाने आप HD ऑडियो क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं sarigama.com से। देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। Woo!
रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अदमा। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप जी तो कहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो मेरी जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप जी तो कहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। तकदीर लिखने वाले एक एहसान करते, मेरे दोस्त की तकदीर में एक और मुस्कान लिखते। ना मिले कभी दर्द उनको, तू चाहे तो उसकी कीमत में मेरी जान लिखते। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही जोड़ी के बारे में जो कि एक दूसरे के नाम अपनी जान कर सकते थे, यानी कि आर डी बर्मन जी और किशोर कुमार। जैसा मैं कह रही थी कि इन दोनों की दोस्ती के तो चर्चे आज तक भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे बल्कि इनकी शरारतों में, इनके गानों में एक और शख्स भी हमेशा हुआ करते थे हिस्सेदार, और वो कोई और नहीं बल्कि आशा भोसले जी थी। आशा भोसले जी जो कि किशोर दा की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। किशोर दा खुद कहा करते थे कि आशा भोसले जी से ज़्यादा अच्छा दोस्त कभी उन्हें मिला नहीं, और आशा भोसले जी जो कि बर्मन साहब की पत्नी हुआ करती थी। तो इन तीनों का मानो एक ग्रुप सा बन गया था, हर जगह जा कर के, हर फिल्म मेकर से जा कर के ये तीनों साथ में मिला करते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब लता जी ने खुद आर डी बर्मन जी को कहा था कि तुम तीनों की कुछ ऐसी मिली भगत सी हो गई है कि तुम मुझे तो भूल ही गए हो। उस पर किशोर दा ने कहा था कि मुझे आपसे डर लगता है दीदी, इसलिए आपके साथ में मुझे काम करना पसंद नहीं है। लता जी को ये बात थोड़ी सी खटकी जरूर होगी, लेकिन ये जानते हुए कि किशोर दा तो जो मन में आता है वो कहते हैं पर मजाक में कहते हैं, कुछ मीन नहीं करते हैं, यही मानते हुए शायद लता जी ने इस बात को जाने दिया होगा। तो चलिए, इतनी बात हो ही गई है इनकी दोस्ती की, तो सुनाते हैं आपको अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर सेलिब्रेटिंग किशोर दा और बर्मन साहब। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हो एक मैं और एक तू, हाँ।
तलक यूं ही प्यार तब तलक बोलो 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 एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था हे जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया दो दिल मिलते हैं एक दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सर पे जमी पांव के नीचे है आसमां सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया चाहे हो जाए होने दो ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवार सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है
जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद कटखड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आरडी बर्मन और किशोर कुमार को साथ में। बताइए, ये दोनों शख्स अलग अलग ही इतने ज़्यादा बड़े म्यूजिशियंस एंड कंपोजर्स और सिंगर रहे हैं, तो इनको साथ में मिल करके यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं, तो आज का एपिसोड तो बड़ा कमाल है। यहाँ पर बर्मन साहब के बारे में, पंचमदा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से म्यूज़िक बनाना इन्हें बहुत पसंद था, चाहे वो खाली ग्लास हो, खाली बोतल हो, चम्मच से निकाली हुई आवाज़ हो, दांत के किटकिटाने की आवाज़ हो, रेत के गिरने की आवाज़ हो, या फिर सिर्फ बांस की एक लकड़ी से निकाली हुई आवाज़ हो, किसी भी चीज़ से म्यूज़िक बनाना तो कोई पंचमदा से सीखे। लेकिन क्या आपको पता है कि पंचमदा ने एक बार एक तोहफा दिया था किशोरदा को, और उस तोहफे के कारण इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाया था, बैठ करके एक महफिल जम गई थी। ये तोहफा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये तोहफा एक एक्सपीरियंस था। क्या था ये तोहफा और कैसे इस तोहफे के कारण इन दोनों ने मिलकर के एक फिल्म का म्यूजिक दे दिया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। तुम आ गए हो, नूर आ गया, चराहों से लो जा रही थी जीने की तो वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही। तुम आ गए हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है,
है ये उनका है काम। अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर तो ही ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर तो ही ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करें। आई होप आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, फर्क हो नाम हमसे जरा। ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली से एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम।
की जिया की छोरी। अच्छा, अरे हाँ उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ, हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ, यूँ समझो ना गले लगाया। ची ची ची, तब से सोती हूँ जागती हूँ लेकिन उसका नाम कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे, कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से। हाय मर जाऊं, हम भी थे एक नजर के प्यासे। क्यों नहीं, दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए लो ना ना ना, ना। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले मैं बात कर रही थी यहाँ पर एक तोहफे के बारे में जो कि पंचम दा ने किशोर दा को दिया था। क्या हुआ, एक बार यूं ही खुश होकर के पंचम दा ने एक बेली डांस शो अरेंज किया था एक्सक्लूसिवली किशोर दा के लिए, सिर्फ और सिर्फ किशोर दा देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। पेमेंट भी हो गए थे लेकिन किसी कारण से डांसर्स आए ही नहीं। और इसका भी फायदा हुआ क्योंकि बर्मन साहब और किशोर दा साथ में बैठे हो, करने को कुछ ना हो और अच्छा म्यूजिक ना बने, ऐसा हो सकता था क्या? बेली डांसर्स आए नहीं, शो हुआ नहीं और हमारे पंचम दा और किशोर दा ने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया और यूं ही बैठे बिठाए फिल्म रोमांस का म्यूजिक इन दोनों ने बना लिया था। बताइए, यूं ही ऐसे ही एक शाम को बैठे हुए अगर गाने बन जाए तो इनसे ज्यादा बेहतर और कोई सी जोड़ी हो सकती थी क्या? बर्मन साहब यानी कि हमारे पंचम दा और किशोर दा की इसी दोस्ती के नाम अगला गाना सुनाएंगे आपको और यही कहूंगी मैं इन दोनों के नाम के कुछ रिश्ते वक्त की तरह होते हैं, बीत तो जाते हैं लेकिन याद बनकर रह जाते हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे
आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। बरसातों में कैसा लगता है हाँ? ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो। बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो रुत का इशारा, देखो उफ ये नजारा, देखो कैसा लगता है बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है
इस वीकेंड क्लासिक पर प्ले हो रहे सारे गाने और ऐसे कई और नए और पुराने गाने आप HD ऑडियो क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं saregama.com से। अरे जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड और सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।